दोस्तों अपने हिंदुस्तान में देखा जाए तो लगभग लगभग हजार यूनिवर्सिटी के आसपास अपने हिंदुस्तान में चलती हैं अब बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड तो मान लीजिए कि एक हजार से भी ज्यादा होंगे अगर सबको मिला ले क्योंकि मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं जो कि लिस्टेड है गवर्नमेंट में मैं बात कर रहा हूं सबको मिलाकर दोस्तों पता है आपको कि सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर यूनिवर्सिटीज के मामले में तो फिर भी कम स्कैम है बोर्ड्स के मामले बहुत बड़ा स्कैम है और आप में से भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स नजर आएंगे जिन्होंने फेक बोर्ड से डॉक्यूमेंट ले लिए हैं वो सिर्फ तब तक ही काम आते हैं जब तक आप प्राइवेट जॉब्स में लगा रहे हो पर जैसे कहीं गवर्नमेंट में लगाया आप फंस जाओगे कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जिनकी तरफ आपको बिल्कुल रुख नहीं करना चाहिए क्या आप करोगे कौन कौन से बोर्ड्स हो सकते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे ऐसे कुछ बातें बताऊंगा अपनी इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा दोस्तों बात आती है बोर्ड्स की दोस्तों बोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे एजुकेशन सिस्टम का यह क्यों है जब भी कोई स्टूडेंट जब अपनी एजुकेशन को आगे तक लेकर जाता है या उसको बाहर जाना है या हायर एजुकेशन करनी है आजकल तो छोटी छोटी नौकरी के लिए भी दसवीं बारहवीं पास मांग ही लेते हैं अनपढ़ को तो कोई रखता भी नहीं है वो एक बात अलग है दूसरी जॉब्स होती है उनके लिए वो जॉब कर सकते हैं बट कोई भी इंसान के जॉब मांगना जाता है उसको भी बोलते हैं

बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बट हम टच नहीं कर रहे थे बट आप लोगों की क्वेश्चन को देखते हुए अब हमें टच करना पड़ेगा उन चीजों को तो दोस्तों है क्या सबसे पहले आप यह देखिए कि आपने जिस बोर्ड से कंप्लीट किया है हर स्टेट में वैसे तो एक बोर्ड होता है आपके स्टेट में भी एक बोर्ड होगा आप जाते क्यों हो वहां पर और क्यों आपको समझने की जरूरत है क्योंकि ज्यादातर जितने भी क्या ओपन में करवाते हैं डिस्टेंस में टेन्थ ट्वेल्थ करवाते हैं वहां सिर्फ एग्जाम्स होते हैं अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो कहीं पर भी स्कूलिंग कर रहे हो तो प्रॉब्लम है ही नहीं क्वेश्चन पूछने की प्रॉब्लम है डिस्टेंस वालों को अब है क्या अब चेक कीजिए एक लिस्ट है कोबसे की कोब से दिल्ली में ही स्टैब्लिश है ज्यादा टाइम तो इसको स्टैब्लिश हुए नहीं आया है बट यहां पर बोलते हैं कि यहां पर सारा गवर्नमेंट की वेबसाइट है हालांकि ये गवर्नमेंट से एफिलियेट है वहां पर आप देखोगे ऐसा बोलते हैं कि सभी बोर्ड्स को रेगुलेट करती है ये बॉडी मतलब कि सभी बोर्ड्स की लिस्ट आप यहां चेक कर सकते हो कौन कौन से वैलिड बोर्ड है कौन से बोर्ड वैलिड नहीं है कौन से फेक है कौन से जेनुअन है कोब से लिस्ट पर कई स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर बी बॉस पर वीडियो बनाओ जो बिहार का एक बोर्ड चलता है बोलते हैं एनआईएस पर वीडियो बनाओ झारखंड बोर्ड पर हमें कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है बट उससे पहले समझाना आपको जरूरी था दोस्तों आए दिन देखा जाए तो बोर्ड पर कोई ना कोई रैकेट सामने आता है कई लोग क्या करते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी बनाकर ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये होता है कि गैर सरकारी एक ऑटोनोमस बॉडी बनाकर उसके ऊपर टेंथ ट्वेल्थ की मार्क्शीट इशू करना शुरू कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हम इस तरह से एजुकेशन इस तरह से क्वालिफिकेशन देते हैं और ये हमारे पास कोर्सेज हैं दोस्तों बहुत ही ध्यान से करिए क्योंकि ये लोग क्या बोलते हैं कि आप पासपोर्ट बनवाओगे चलेगा इस स्टेट में चलेगा इस जॉब में चलेगा ये सब फर्जीवाड़ा है जब आपको कोई समझाए ना इस तरह से समझ लेना गड़बड़ है क्योंकि स्टेट बोर्ड जो होते हैं वहां पर समझाने की जरूरत नहीं होती और स्टेट बोर्ड हर जगह चलते हैं आप जहां मर्जी लगाओ इवन हमने तो ये भी देखा है कि कितने ही लोग इंजीनियर लग जाते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर लग जाते हैं से पास करे हुए आपको एनआईओ से कर लो एनआईए गवर्नमेंट बोर्ड है एक और दोस्तों किसी भी ऐसे बोर्ड का जिसका क्या आपने कभी नाम ही जल्दी से नहीं सुना और स्टेट के अंडर नहीं आते आप वहां से मत कीजिए पर किस बोर्ड से आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया दसवीं या बारहवीं का या किस में आप लेने की सोच रहे हैं उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताना या फिर एक काम और आप कर सकते हो कि कॉब से की आप वेबसाइट पे जाइए वहां एक फोन नंबर है उस फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे कि किसी बोर्ड के बारे में तो रिप्लाई आपको जरूर आएगा और वो बताएंगे आपको कि बोर्ड जो है जेनुअन है या नहीं दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने बताने की कोशिश की आपको बोर्ड्स के बारे में आपको समझ आया होगा आप किस बोर्ड से कर रहे हैं या कर लिया आपने कोर्स अपना कंप्लीट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आज का अच्छा लगा हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप नए हो पहली बार आए हो हमारे चैनल पर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथ में लगा बेलाइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए